लेंस मेकर फॉर्मूला, नाम से ही पता लग रहा है हम लेंस बनाने वाले हैं, मेक करने वाले हैं। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको लेंस की फोकल लेंथ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन देता है, आर वन आर टू का रिलेशन भी देता है। तो ये जो है इसको लेंस मेकर बोलते हैं। देखो कैसे, मैं आपको कन्वेक्स लेंस बना के दिखाता हूँ, कन्वेक्स लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे बनता है। डायग्राम अजीब सा है, आप कहोगे यार ये क्या डायग्राम कैसे बनेगा, 2 मिनट का काम है, इसको ध्यान से देखना जो असली चीज है इसमें देखने वाली। सपोज करो ये आपके पास से कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इमेजिन करो सीधा कन्वेक्स लेंस लेने की बजाय आप सिर्फ एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लो, बस दूसरा लेना ही नहीं है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो अगर ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे सीधा जाएगी, एक रे यहां जाएगी, कन्वर्ज होगी और ये इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, बात खत्म। हमने किया था रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, हमने रियल इमेज बनाई थी, हमने रियल इमेज का क्या केस किया था, ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज कहाँ बनती है, ऑन द ऑपोजिट साइड बनती है, बात खत्म हो जाती है, ये बन गया। लेकिन अगर मान लो कोई कहता है जी मेरे पास एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अच्छी वाली लाइट यहाँ मिल रही है, इमेज बन रही है, पर कोई कहता है नहीं मैं यहाँ पर एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाद में लगाऊंगा। अब जैसे ही वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाद में रखता है तो ये लाइट अब क्या होगी, थोड़ी सी और बेंड हो जाती है, तो यहां जाने की बजाय वो कहां पर मिलेगी, अब यहां बनेगी। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने ओ को ऑब्जेक्ट माना और आई उसकी क्या थी, इमेज थी। सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ने आई वन को शिफ्ट करके कहां बना दिया, आई पे बना दिया। तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आई वन वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है क्योंकि इमेज को ऑब्जेक्ट मान रहा है और आई फाइनल इमेज है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है। सेकेंड सरफेस ने आई वन को शिफ्ट करके आई पे बना दिया, तो आई वन ऑब्जेक्ट है सेकेंड के लिए और आई इसकी फाइनल इमेज है। क्लियर है यहां तक? तो ये देखो यही किया इसमें, डायग्राम बाद में बनाएंगे अभी। तो इसके लिए ओ ऑब्जेक्ट है फर्स्ट के लिए और आई वन इमेज है, सेकेंड के लिए आई वन ऑब्जेक्ट मान के आई इमेज है। हम ना P1 ना P2 पोल से डिस्टेंस लेते हैं लेंस में, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम सेंटर से लेते हैं। तो लेंस में सारे डिस्टेंसेस सेंटर से लिए जाते हैं। तो सेंटर से O की दूरी क्या है, U है, सेंटर से I1 की दूरी V1 है और सेंटर से I की दूरी इसमें V है। तो एक काम करते हैं, पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस XP1Y। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, यू पे है और इमेज कहां पर है, V1 पे है। इसके लिए इमेज V1 पे है और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो रिफ्रैक्शन रेयरर टू डेंसर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें यू की जगह यू यू ही पुट करेंगे और वी की जगह V1 पुट करेंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली सरफेस का कितना है मान लो R1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सरफेस के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, V1 लेंगे और इमेज क्या लेंगे, V लेंगे। ऑब्जेक्ट V1 है, इमेज V है और रिफ्रैक्शन कहां पर है, डेंसर से रेयरर है, उल्टा काम हो रहा है। तो डेंसर टू रेयरर का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पुट करेंगे V1, इमेज की जगह V, रेडियस R2, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा तो μ2 आ गया, μ1 बाद में ऐसे आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म जो है μ2 बाई V1 आपस में कैंसिल हो जाएगी, ऐड करने पर यह रिजल्ट आएगा। यहां से μ1 बाहर आ गया, ये टर्म आ गई, μ1 इसके नीचे आ गया तो μ2 बाई μ1, μ1 बाई μ1 1 है। तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U लेंस के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ, क्योंकि जो लेंस बना उसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या था, U, और फाइनल इमेज क्या बन रही है, V पे। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने 10th में किया हुआ है, 1 बाई F। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर है, 2 नीचे आ गया, 1 नीचे, 1 ऊपर आ गया। तो ये फॉर्मूला नोट करें, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, एक फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर जो आप बना रहे हैं उसमें लिखें लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला नहीं, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहां पे लिखें लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ये नोट करें, ठीक है यहां तक। तो लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेशन है किसका, फोकल लेंथ का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, R1 का और R2 का। ठीक है,
और ऐसी लेंस मेकर अगर हम कनकेव के लिए यूज करें, डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, मैं इजी करके बना रहा हूं। कनकेव के लिए क्या करना है, पहले आप सिर्फ एक ही सरफेस लें, बस एक सरफेस, ये आपका ऑब्जेक्ट है कनकेव में, ये रे गई। कनकेव कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं, आपने रिफ्रैक्टिंग सरफेस लास्ट टाइम किया ही हुआ है, तो कनकेव क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा और इमेज यहां बना देगा आई वन, बात खत्म। पर कोई कहता है कि नहीं, मैं तो एक और कनकेव सरफेस लूंगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस लूंगा, तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या करेगा, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये जो रे यहां आ रही थी इसको और ऊपर बेंड कर देगा और इमेज फाइनल कहां पर बना देगा, आई पे। ये थोड़ी बेंड करेगा, ये ज्यादा बेंड कर देगा, तो थोड़ी बेंड करने से इमेज यहां बनती है और ज्यादा बेंड करने पे इमेज यहां बनती है। तो पहली सरफेस के लिए ओ ऑब्जेक्ट है और आई वन इमेज है, और दूसरी सरफेस के लिए आई वन ऑब्जेक्ट है और आई इसकी इमेज है, ठीक हो गया, सेम है रूल। तो अगर मैथमेटिकल पोर्शन देखें कोई फर्क नहीं, दोनों बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। पहली सरफेस के लिए यू ऑब्जेक्ट है और वी वन इमेज है, यू ऑब्जेक्ट है वी वन इमेज है, और रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला लगा दिया। सेकेंड सरफेस के लिए वी वन ऑब्जेक्ट है और वी इसकी फाइनल इमेज है, सेम केस जो कन्वेक्स में था, और रिफ्रैक्शन डेंसर टू डेरर कर दिया, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर होगा वो, सेकेंड वाला गलत है, डेंसर टू रेयर है। तो डेंसर टू रेयर किया, माइनस अगेन कॉमन निकाल लिया, वही इक्वेशन को ऐड कर दिया, सेम प्रूफ है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क नहीं, आंसर भी एग्जैक्टली सेम है। तो एक बार रेयर टू डेंसर, एक बार डेंसर टू रेयर, क्या ये बात समझ में आ रही है? बस एक काम कर लो आप, इसमें आप इसके फॉर्मूले को, इसके जो डायग्राम है इसको अपने हाथ से रफ कॉपी पे ड्रॉ कर लो, तो जिसके अंदर आप डायग्राम ऐसे याद मत करें, आप नॉर्मल नहीं ड्रॉ करना चाहते मत ड्रॉ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एंड में ड्रॉ कर लें। आप ऐसे कर लें, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएं जैसे मैंने बनाया, ओ लें, ये लें और ये लें, बस पहला काम तो यही करें, आई वन बनाएं, फिर क्या करें, ये बनाएं और इससे इसे बेंड कर दें, ये आई इमेज बन जाएगी, ये मेजर ये डायग्राम है। फिर नाम डाल दें, ये सी सेंटर है, ये पी वन पोल है, ये पी टू पोल है, और अगर आपको नॉर्मल बनाना भी, अब नॉर्मल बन भी जाएगा, यहाँ से एक नॉर्मल इधर जाएगा, यहाँ से नॉर्मल इधर जाएगा, वो एंड में ड्रॉ कर देगा करना है तो। अदरवाइज मेरे ख्याल से मोर देन सफिशियंट है, इसको प्लीज याद करके मत लिखें, इसको याद करके ड्रॉ मत करें, आप समझ के करें। पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनाएं, ओ ऑब्जेक्ट बनाएं और ये आई इसकी, आई वन इसकी इमेज बनाएं, सिंपल। फिर उसके बाद आप इसमें ये सेकेंड सरफेस बनाएं और इसकी और बेंडिंग कर दें, मीन्स ऐसे, तो ये इमेज कहां पर बने, आई पे इमेज बनेगी, आई वन से आई पे इमेज बनेगी, ठीक, क्लियर है यहां तक? तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करें, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, तो डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना लग रहा है, ठीक। ऐसी कनकेव का भी करें प्लीज, कन्वेक्स का प्रैक्टिस करने के बाद एक बार कनकेव का करें। कनकेव में बेसिक डायग्राम ऐसा बनाएं, पहले एक कनकेव बनाएं और ये ऑब्जेक्ट लें, एक रे इधर सेंड करें, ठीक, एक रे इधर सेंड करें और ये इसकी रिफ्रैक्शन करवाएं, तो इमेज कहां पर बनेगी, आई वन पे। फिर नेक्स्ट सरफेस में से रिफ्रैक्शन करवाएं, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, तो पहले ये लो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर गया, तो ये रिफ्रैक्शन हुई, तो इमेज कहां पर बनी, आई वन पे, है ना, बेंड हो गई। फिर उसके बाद इसको कंप्लीट कर लें ऐसे, और एक रिफ्रैक्शन और शो करें ऊपर की तरफ और इमेज कहां पर बनाएं, आई पे बनाएं ऐसे। तो ये बेसिक डायग्राम है इसका, जो आपको कम से कम ड्रॉ करना है, लेंस में करना है।